इस समय देश में सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार है वो 16 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि एक राहत वाली बात अभी इतनी है कि यह अभी भी 74.6 लाख टन के बफर मानक से 42,000 टन ज़्यादा है। वीडियो बफर स्टॉक और गेहूं खरीदी को लेकर बहुत खास होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अभी अगर हम आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो 1 अप्रैल तक सरकारी गोदामों में जो सरकार स्टॉक करती है वहाँ 75.02 लाख टन गेहूं का स्टॉक बचा है। यह 2008 के बाद का सबसे निचला स्तर है, जब गेहूं का स्टॉक 58.03 लाख टन के नीचे आ गया था। सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी जो खरीद की गतिविधियां हैं वो तेज कर दी है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं खरीदें, चाहे चमकहीन हो या अन्य तरह का कूसी मिट्टी या नमी युक्त हो, क्योंकि सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करना पड़ेगा वरना हालात बिगड़ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने मौजूदा विपणन वर्ष के दौरान 372.9 लाख टन गेहूं की खरीद का इस साल लक्ष्य रखा है। यानी कि केंद्र सरकार चाहती है कि इस साल समर्थन मूल्य पर जो गेहूं खरीदी है वो 372 लाख टन गेहूं की खरीद होना चाहिए। हालांकि अधिकारियों का ये मानना है कि वास्तविक खरीद 310 या 320 लाख टन रह सकती है। कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान देश में रिकॉर्ड 1120 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। यानी कि पूरे देश भर में कृषि मंत्रालय ने 1120 लाख टन गेहूं का उत्पादन का अनुमान लगाया है और सरकार जो खरीदी करना चाह रही है वो 310 से 320 लाख टन गेहूं की चाह रही है। गौरतलब है कि 13 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों द्वारा 27.2 लाख टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, जो साल भर पहले के 25.5 लाख टन से 7% अधिक है। यानी कि आंकड़े जो है चिंताजनक है और किसान जो है वो नाराज चल रहा है 2700 रुपये समर्थन मूल्य जो भाव है वो नहीं मिलने से। अधिकतर किसानों ने अपना जो गेहूं है मंडियों में तुलवा दिया है और सरकार के पास ये आंकड़े जा रहे हैं, तो ये हैरान करने वाली बात है और निराश करने वाली बात है, क्योंकि गेहूँ किसान नाराज चल रहा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, शेयर जरूर करें।